कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी पिछले साल 25 सितंबर की इस घटना को अभी तक नहीं भूले हैं, जब राजस्थान में पार्टी विधायकों के गुट की बगावत के कारण पार्टी के पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक किए बिना दिल्ली लौटना पड़ा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान गांधी परिवार के साथ साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि उनका नाम लिस्ट में कैसे है। सूत्रों ने कहा कि जैसे कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को यह बताना चाहा कि शांति धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात टाल दी। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान शांति धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी पूछा कि क्या उन्हें शांति धारीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कोई नाम नहीं मिला। सूत्रों ने बताया कि शांति धारीवाल के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की कड़ी आपत्ति के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पिछले साल 25 सितंबर को शांति धारीवाल ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। सोनिया गांधी जो समय पार्टी के अंतरिम प्रमुख थीं, उन्होंने खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित करने के लिए भेजा। इन खबरों के बीच की गहलोत को उनके पद से हटाकर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी विधायकों की बैठक नहीं हो पाने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली लौटे। बैठक से पहले अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने शांति धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की, जिसे अशोक गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया। शांति धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक से खड़गे और माकन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने विधायकों की समानांतर बैठक आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्य के 3 कांग्रेस नेताओं धारीवाल, विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। सूत्र ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने राठौड़ और जोशी का नाम भी हटाया है। हालांकि धारीवाल का नाम बुधवार को सीईसी के पास पहुंचा, जब इसे गांधी परिवार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सूत्रों ने आगे कहा, कम से कम 50 से 55 मौजूदा विधायकों के नामों को अंतरिम रूप दिया गया है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए है और उसने रेगिस्तानी राज्य में कई जन समर्थक योजनाएं शुरू की हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।